good evening guys let's look at the today question who is known as iron man of india the correct answer is siddhartha patel why is he known as iron man of india because he politically politically integrated india right uh, just like example like the junagadh right Nijam of hyderabad Nijam hyderabad okay that's why he is called as Iron Man of India, इंडिया और there is a statue of unity. Okay, a statue of unity in Gujarat in honor सरदार Sardar भाई पटेल ठीक है तो यार इससे सबसे बड़ी एक important क्वेश्चन होती है 1923 ट्वेंटी थ्री में माफ़ कीजिएगा नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में एक नागपुर में एक सत्याग्रह हुआ था ठीक है नागपुर में एक सत्याग्रह हुआ था ठीक है क्यों हुआ हाँ था पता इंडियन फ्लैग पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था ठीक है उसी के लिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह किया था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ने कहा कि आप इसको आगे बढ़ाइए ठीक है और इसलिए मैं बताता हूँ कि ठीक है महात्मा गांधी जी ने क्यूट इंडिया मूवमेंट दिया ठीक है और नन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया लेकिन इसके सबसे बड़े जो लीडरशिप रोल में रहे ना जो पूरे जो ब्रिटिश एम्पायर में जो तहलका मचा दिया लीडरशिप जो थी वो थी सरदार पटेल की ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ठीक है हाँ गांधी जी ने बोला यार चलो ये ये चीज़ करते हैं पर जो तो सबसे बड़े जो एग्जीक्यूटिव जो थे वो क्या थे आयरन मैन ऑफ इंडिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे हमारे सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव थे ठीक है अंडरस्टैंड समझ में आ गई इनको और भी कुछ नाम से जाना जाता है पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स राइट जो हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज थी ना और इंडिया सर्विसेज जो थी ये इन्हीं की देन है क्यों देने यार देखो ये जो थे ना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल वो क्या थे होम मिनिस्टर थे ठीक है होम मिनिस्टर थे जब नाइनटीन फोर्टी सेवन में वार किया गया था उस वक्त ये ऑल इंडिया सर्विसेज स्टार्ट की गई थी ठीक है और दूसरी बात यू शुड रिमेम्बर डैट सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया राइट Another thing you have to remember that who was the king? Okay, India got independence in 1947. Okay, India became a republic in 1950. But who was the king of England or you can call Britain, United Kingdom, whoever? Who was the king during uh, when he was the uh, vice president of, uh, vice prime minister of India, deputy prime minister of India? You should remember the name is George VI. आपको याद नाम याद रखना वो थे जॉर्ज सिक्स ठीक है ओके थी, okay. में सत्याग्रह हुआ तो बता दिया था इंडियन फ्लैग जो कि अलाउ नहीं किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इसलिए ना नागपुर में इन्होंने सत्याग्रह किया काफी बार पूछी गई है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ठीक है many times this has in the ask in the even every state pcs even in the Tamil Nadu pcs or it is Bihar state pcs or it's Maharashtra pcs right and another important thing you have to remember what can you guess it you can't guess this man ah listen 49th okay

Ten lakh MCQ at four ninety nine. It is in bilingual Hindi and English. Okay, and it is just totally free of cost for females. Okay, as vision of our respected Narendra Modi as beti bachao, beti padhao. Right? Okay, have a great day, guys. Kindly share it. And a great luck if you have any doubt you can just ask me on the mail okay uh, deepak kumar nine double one three six at the rate of gmail.com right you can send all your dots anywhere in anything else you you can chat on that the email right have a great day guys thank you